प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मुलाकात, स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां जल्द ना डालने की अपील। त्राल के गांव साइमू में मारा गया हिजबुल कमांडर सबजार अहमद, सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराए कुल 3 आतंकी। बारामूला के रामपुर सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को किया ढेर, तलाशी अभियान जारी। पशुपालन मंत्री अब्दुल गनी कोहली ने विभिन्न डेयरी मालिकों से की मुलाकात, इस दौरान मंत्री ने आधुनिक तकनीकों को अपनाने पर दिया बल। सीएपीडी मंत्री चौधरी जुल्फिकार अली ने मीडिया परिसर जम्मू का किया दौरा, इस दौरान उन्होंने सूचना विभाग के कामकाज का भी लिया जायजा। शराब की दुकान को लेकर बाहूफोर्ट के निवासियों ने किया प्रदर्शन, शराब पीने से कल एक व्यक्ति की हुई थी मौत। सब जज राजेश अबरोल की पत्नी ने किया नया खुलासा, कहा कमरे की बिजली बंद कर पति और ननंद करते थे मारपीट। आरोही संगीत विद्यालय द्वारा जम्मू में शास्त्रीय संगीत का आयोजन, स्पीकर कविंदर गुप्ता व राज्य शिक्षा मंत्री प्रिया सेठी भी थी मौजूद। ऑल जे एंड के गुरु रविदास सभा ने यूपी घटना की निंदा, सरकार से की आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। कृषि विभाग द्वारा गांव बड़ियाल काजिया में जागरूकता शिविर आयोजित, शिविर में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की दी गई जानकारी। एसडीएम सुशील कुमार ने जनता दरबार में सुनी लोगों की जन समस्याएं, अधिकारियों को सभी समस्याओं को जल्द हल करने के जारी किए निर्देश। हिंदुओं की आस्था से जुड़े वायरल वीडियो की पैंथर्स ने की कड़ी निंदा, कहा मंदिरों के शहर जम्मू की छवि खराब करने की जा रही है कोशिश। आर्मी गुडविल स्कूल में जारी किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आज तीसरा दिन, 14 टीमों के प्रतिभागी खेलों में अपनी प्रतिभा का कर रहे प्रदर्शन। केंद्र सरकार के 3 साल पूरे होने पर टाउन हॉल कठुआ में कार्यक्रम आयोजित, सांसद शमशेर सिंह मन्हास सहित कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। बार एसोसिएशन ने की मेजर गोगोई पर लगी FIR वापिस लेने की मांग, मेजर गोगोई ने अपनी सूझबूझ के चलते बचाई थी कई जाने। छात्रों को अब जल्द मुहैया कराई जाएगी ऑनलाइन कोचिंग सुविधा, ICSI ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से दी जानकारी। पूर्व विधायक यशपाल कुंडल ने राज्य सरकार पर लगाया विफलता का आरोप, कहा पॉलिथीन बंद करने के नाम पर मुलाजिमों को किया जा रहा है परेशान। ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों की काम छोड़ हड़ताल 4th दिन भी जारी, स्थायी करने सहित विभिन्न मांगों को पूरा करने की कर रहे मांग। कल से शुरू हो रहा रमजान मुबारक का महीना, इस्लाम धर्म में रमजान को माना जाता है सबसे पवित्र महीना। 29 मई को होंगे त्रिकुटा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के विभिन्न पदों के चुनाव, पूर्व प्रधान ने दुकानदारों से की समर्थन देने की अपील। सरकारी व निजी स्कूलों में 29 मई से गर्मियों की छुट्टियां हुई घोषित, बढ़ती गर्मी के कारण राज्य शिक्षा विभाग ने की घोषणा। कल से बहाल हुई इंटरनेट सेवाओं पर सबजार की मौत का लगा ग्रहण, घाटी में हिंसक प्रदर्शनों के चलते फिर इंटरनेट सेवाएं हुई स्थगित। महिला कॉलेज गांधीनगर में अलुमनाई मीट का आयोजन, कार्यक्रम में पूर्व छात्रों ने पुरानी यादों को एक बार फिर किया ताजा। आतंकी सबजार की मौत के बाद घाटी में भड़की हिंसा, घाटी के कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती। चतरु में एक घर में सिलेंडर फटने से लगी भीषण आग, आग में 2 मंजिला घर जलकर हुआ तबाह। और आइए अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ रही अपडेट, जेके अपडेट खबर दिन भर रोज रात 8 बजे।